नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराता चला जा रहा है। शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। इस बीच सियासी दांवपेच भी जमकर आजमाए जा रहे हैं। इन सबके बीच खबर है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली एवं 5 अन्य राज्यों की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वास्ते 23 जून को हुए मतदान के लिए मतों की गिनती का काम थोड़ी देर में शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में परिणामों का रुझान आना शुरू हो जाएगा। इस उपचुनाव में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत अन्य लोगों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। सबसे पहले डाक से प्राप्त मतों की गिनती हुई, इसके बाद ईवीएम खोले गए हैं। मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को म्यूनिख पहुंचे। इस दौरान वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और शक्तिशाली समूह एवं उसके सहयोगी देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद के मुकाबले, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 7 सबसे अमीर देश के समूह G7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। असम में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही तथा इस प्राकृतिक आपदा में 4 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में 25.10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि कछार जिले का सिलचर शहर 6ठे दिन भी जलमग्न रहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में बारपेटा, कछार, दरांग और गोलाघाट जिले के लोग शामिल है। इसके साथ ही असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 122 पर पहुंच गई है। गुजरात एटीएस ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ के मुंबई स्थित घर पर रेड की। एटीएस ने एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया है। उन्हें मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर पूछताछ के लिए एटीएस सामाजिक कार्यकर्ता को इलाहाबाद ले गई। उससे पहले सीतलवाड़ ने अपनी तरफ से मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और दावा किया है कि गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी दौरे के दूसरे दिन वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। इस दौरान पुलिस लाइन में उनके हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के ठीक थोड़ी देर बाद चौपर में आई तकनीकी दिक्कतों के कारण सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की गई, जहां सीएम के इमरजेंसी लैंडिंग से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर शिवसेना कार्यकर्ता के बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने शहर स्थित विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के कार्यालयों और उनके आवास पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है और कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर मंत्री और विधायकों और सांसदों के कार्यालय और आवास पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगे इलाकों में सीमा पार सुरंग का पता लगाने और अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल ने सांबा, कठुआ और जम्मू के जिलों के सीमावर्ती गांवों में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। लाखों की संख्या में फेसबुक अकाउंट खतरे में है। हैकर्स उन्हें पैसे चुराने के लिए निशाना बना रहे हैं। साइबर विशेषज्ञों ने बताया कि दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा फेसबुक यूजर को शिकार बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इसे मोबाइल पर फेसबुक मैसेंजर के जरिए तेजी से फैलाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी फिशिंग अटैक की जानकारी भले ही अब मिली हो, लेकिन ये पिछले 1 साल से इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच उनकी जासूसी का प्रयास किया गया है। बानी गाला का एक कर्मचारी खान के कमरे में जासूसी उपकरण लगाने के लिए गया था और रिपोर्ट के मुताबिक इस कर्मचारी को पूर्व प्रधानमंत्री के बेडरूम में उपकरण लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। हालांकि एक दूसरे कर्मचारी ने इसकी सूचना सुरक्षा टीम तक पहुंचा दी, जिसके बाद जासूसी के प्रयास को विफल कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं देगा और उम्मीद जताई है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध से संबंधित सभी लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत अब कमजोर देश नहीं है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का दौर एक बार फिर लौट आया है और लोगों को रविवार को भी इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। कर्नाटक में वन विभाग के अधिकारियों को अब हर महीने 15 दिन जंगल में गुजारने पड़ेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को इस संबंध में वन विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से वन विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर जिला वन अधिकारी तक को अपने कार्यालय से बाहर निकलने और महीने में 15 दिन जंगल में गुजारने का निर्देश दिया गया, ताकि वहां कार्यरत विभाग के अन्य कर्मियों का मनोबल बढ़े। महाराष्ट्र में जारी संकट अभी बरकरार है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि लोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर भरोसा रखना पसंद करेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल ना करें। कटाक्ष करते हुए राउत ने कहा है कि बागी विधायक अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें और वोट मांगे।
भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व सैनिक अशोक कुमार ढींगरा ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। प्रेस क्लब ऑफिलिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गुज्जर ओमकारनाथ कटिहार ने घोषणा की कि हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार ढींगरा भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम करते देखे गए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 90वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने इस महीने में मन की बात में खुशी व्यक्त की है और देशवासियों का आभार व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात पर MyGOV या नमो ऐप पर अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया था। देश के कई राज्यों में मॉनसून की बारिश जारी है। IMD की माने तो दक्षिण पश्चिम हवा के प्रभाव से अगले 3 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने का अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र तट, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गुजरात ATS ने मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ को NGO से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए ATS ने हिरासत में लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात दंगे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अधिक खतरा होने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की है। थलसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने की विश्वसनीय सूचना मिलने के मद्देनजर इस बार पहले से 3 से 4 गुना अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर हुए हमले के संबंध में सत्तारूढ़ माकपा के छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के 19 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आज और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। मंकी पॉक्स वायरस पर WHO की बैठक में फैसला लिया गया है कि ये वायरस अभी अंतर्राष्ट्रीय चिंता नहीं है, इसलिए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक आपातकाल बैठक बुलाई थी, जिसके बाद शनिवार को WHO ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जुबानी जंग जारी है। एक के बाद एक तीखे हमले दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें और वोट मांगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना के नाम का इस्तेमाल ना करें। मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में MP की टीम खिताब का सूखा खत्म करने के करीब है। 67 साल बाद आज टीम ट्रॉफी जीतने के कगार पर थी। बात मुकाबले की करें तो मुंबई की पहली पारी 374 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद MP ने 162 रनों की लीड के साथ पहली पारी में 536 रन बोर्ड पर लगाए और इसके बाद अब मुंबई ने दूसरी पारी में 269 रन पर वो पूरी तरीके से ढेर हो गई है। इस तरह बढ़त को कम करने के बाद मध्य प्रदेश को जीत के लिए 108 रनों की ही दरकार थी। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद संगरूर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। CM भगवंत मान के इस्तीफे से खाली संगरूर सीट पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने आप कैंडिडेट गुरमेल सिंह को 7000 वोटों से मात दी है। इस चुनाव को आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार 2011 में नौकरी में आए थे और 12 साल से ज्यादा की नौकरी में करोड़ों की अवैध संपत्ति जमा कर ली है। ये जहानाबाद जिले के घोषी थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के मूल निवासी है, परंतु अवैध कमाई की बदौलत पटना गया समेत अनेक जमीन के प्लॉट, मकान और फ्लैट खरीद ली गई है। 4 करोड़ से ज्यादा कैश घर में मिले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड ही है। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का शनिवार की रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज पंजाब के भिकीविंड में किया गया है। सरबजीत सिंह को 1991 में पाकिस्तान की एक अदालत ने जासूसी के लिए मौत की सजा सुनाई थी। सरबजीत की रिहाई के लिए दलबीर कौर ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 2013 में लाहौर में उनका निधन हो गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन संकटमोचक बन सकता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और लापरवाह सिस्टम के कारण करीब 6 महीने यानी कि जून 21 से दिसंबर 21 तक मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिकायतकर्ता विवेक गवारे की शिकायत पर जांच टीम बनाई और मामले की परतें उधेड़ी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 28 जून को पानीपत में अपने मंत्रालय की 8 साल की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगी। वो यहां पानीपत जिले में आयोजित सब जोनल बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकारी और प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक सर्वे में पता चला है कि ज्यादातर माँ बाप को लगता है कि लड़कियों को अपना गुस्सा दबाना चाहिए। दरअसल सेस्मी वर्कशॉप इंडिया ने दिल्ली NCR की अस्थायी प्रवासी परिवारों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले 2600 परिवारों पर यह सर्वे किया। इनमें जानने की कोशिश की है कि बच्चों को लेकर परिजन क्या सोचते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को क्लीन चिट मिल गई है। पंजाब पुलिस की जांच में मनकीरत औलख को इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं मिला है। मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर देवेंदर बंबाही गैंग ने इस औलख की साजिश बताया था।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, सिद्धार्थ कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, आकाश कुमार, आलोक कुमार, आर्यवत, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।